नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और प्रेगनेंसी भी बहुत स्मूथली चल रही होगी। आज मैं आपसे बात करूंगी, ऐसे दो लक्षण आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जिससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि आपके घर में आने वाले समय में क्या आने वाला है, बेटा या बेटी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, दोनों ही बच्चे इक्वालिटी का हकदार होते हैं, दोनों ही बच्चे अपनी अपनी जगह पर अच्छे होते हैं। अगर पहले हमारे घर में बेटा होता है तो हमें लगता है कि सेकंड प्रेगनेंसी में हमें बेबी गर्ल बॉर्न हो, और अगर पहले बेटी होती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में हमें बेटा मिले। सो दोनों ही बच्चे अपनी जगह पर अच्छे होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जिससे आप दोनों चीज़ें अंदाजा लगा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट कैसा है। अगर आप लोगों को मीठा पसंद है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मीठा खाना, तो आपको बेबी गर्ल के साइन है ये। अगर आपको मीठा पसंद है, देखिए फिक्स तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है, हो सकता है कि आपका सिम्टम बिल्कुल उल्टा हो। बट हाँ, 90% मैंने देखा है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी सभी लोग यही बोलते हैं कि हाँ ये सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, तो इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ 90% केसेस में ऐसा होता है। सो अगर आप लोगों को मीठा पसंद है तो बेबी गर्ल के साइन है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद है, बहुत ज़्यादा आप तीखा खाते हो, मीठा आपको अच्छा ही नहीं लगता, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको बेटा मिले। सो दूसरा मेन रीज़न है आपका एक्टिव होना। अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हो प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा आलस आता है, बिल्कुल थके थके रहते हो, कितना भी आप एक्टिव रहने की कोशिश करो बट बिल्कुल भी आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, एनर्जेटिक फील नहीं करते हो, इस कंडीशन में हो सकता है कि बेबी गर्ल के साइन हो। बट वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो, बहुत ज़्यादा काम करने की क्षमता रखते हो, कितना भी काम कर लो थकते ही नहीं हो, नॉर्मली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि बेबी बॉय के साइन हो। सो दोनों ही चीज़ें आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस करी। आप अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो इट मीन्स बेबी बॉय, और अगर मीठा पसंद है तो इट मीन्स बेबी गर्ल। एंड देन वहीं अगर आपको एक्टिव रहना अच्छा लगता है तो इट मीन्स बेबी बॉय, और बहुत ज़्यादा आलस आता है तो इट मीन्स बेबी गर्ल। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले समय में आप मेरी वीडियोज़ को देख पाएँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिए। बाय बाय।